देख सकते हो कितना अच्छा बर्गर हुआ। अब ये देखने के लिए पूरा वीडियो में बने रहिए आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, उम्मीद है कि आप सब अच्छा है, हम भी अच्छा है। आज हम बनाने वाला है बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमने पूरा ले लिया। तो सबसे पहले हम बर्गर के लिए बनाते हैं मायनीज। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप करके मत जाओ। तो सबसे पहले हमने देख सकते हो यहाँ पर डाल लिया शुगर। शुगर डालने के बाद अब हम उसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद अब वीडियो में बने रहिए। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे विनीगर, तो हम इसमें डाल देंगे विनीगर। तो देख सकते हो हम डाल दे इसमें डाल दे रहे विनीगर, 1 टीस्पून विनीगर डाल दिया। उसका ढक्कन से एक ही ढक्कन डालना, बस ज़्यादा मत डालो। तो विनीगर से क्या खट्टा बन गया, बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी मिंट मैनीज कैसा बनाते हैं आप अपना घर पर भी बना के खा सकते हो, और कोई ये नहीं है। आप लोग आराम से घर पे हमारा रेसिपी आप लोग देख के आराम से बना सकते हो, बहुत इजी रेसिपी है। तो हमने देख सकते हो हमने यहाँ पे 4 अंडा ले लिया। तो हमने वह 4 अंडा यहाँ पर डाल रहे हैं। तो अभी हम डाल दिया मिंट, देखो मिंट डाल रहा है इसमें। अभी हम उसमें डाल दिया मिंट। तो मिंट डालने के बाद अभी हम डाल दिया इसमें नींबू, हमने एक नींबू लिया था उसमें डाल दिया। अभी हम मायनीज के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब मायनीज बना रहे, अब वीडियो पूरा देख के। तो अभी देख के हमारा मिक्सी में डाल दिया, उसमें घूम रहा है। अभी हम ले लिया यहाँ पर, ले लिया था सन प्योर ऑयल, तो हमने यहाँ पे डाल दे रहा हूँ सन प्योर ऑयल। तो देख सकते हो हमारा मायनीज बन रहा है। अगर आप हमारा चैनल में नया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो प्लीज़। अच्छा मज़ेदार। और भी आपको कोई किसी भी मायनीज का कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमें बता सकते हो, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो देख सकते हो हमारा मायनीज रेडी हो गया, मिंट मायनीज। तो जैसा मार्केट में जो कलर है ना, बिल्कुल ऐसा ही मिंट का कलर है, देख सकते हो पूरा बहुत स्मूथ कलर है, बहुत ही अच्छा कलर हुआ। तो अभी बर्गर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बर्गर। बर्गर के लिए ले लिया यहाँ पे कोकुम्बर। कोकुम्बर लेने के बाद अभी हम उसको काट कर रहे हैं अच्छी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ले लिया हमने एक बर्गर बन। तो बर्गर बन में हम जो मायनीज बनाया था वो मायनीज डाल देंगे अभी इसमें। तो बटर, बटर का साथ ही मायनीज, जो पहले बटर डाल दिया फिर मायनीज लगाया। तो ऐसा क्या है, बर्गर बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो अभी हमने ऊपर से कोकुम्बर डाल दिया, उसका नीचे लेटिस लगा दिया। तो देख सकते हो उसका नीचे हमने पूरा ये लगा दिया। अभी ऑनियन डाल रहे ऊपर से। तो अभी हम उसमें डाल देंगे टिक्की। तो सबसे पहले हम उसमें सॉस लगा देते हैं, तो आप वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले तो हम उसमें लगा देंगे सॉस। हाँ लगा दिया सॉस। अभी थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट जो नमक होता है सॉल्ट डाल देंगे उसमें। तो हमने डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा ही डाल दिया। और हमने जो टिक्की बनाया था यहाँ पर ले लिया टिक्की, क्योंकि टिक्की हम बना हम ही खुद बनाते। तो टिक्की का वीडियो आपको नहीं बताया था कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी सिर्फ उसका ही बताया। अगर टिक्की के लिए वीडियो चाहिए तो हम अलग से बना कर दे देंगे, अब हमें कमेंट में बताइए। तो हमने ऊपर से डाल दिया एक चीज़। तो बर्गर बन, तो अभी हमने यहाँ पे बर्गर का बन ऊपर लगा दिया। अभी हम उसको अच्छी तरह से हीट करेंगे, सैंडविच मिशन में डाल दिया। अब वीडियो में बने रहिए और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने मायनीज, थोड़ा सा मायनीज और केचप ले लिया एक बॉल में। और यहाँ पे हमारा बर्गर अच्छी तरह से काट कर रहा है। तो देख सकते हो हमारा बर्गर अच्छी तरह से काट कर दे रहे हैं, देख सकते हो कैसा हुआ। आप भी ट्राई कीजिए ज़रूर, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है मिंट मायनीज के साथ में, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।